इट्स मी जयता एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर मेकअप ट्यूटोरियल। तो आप देखकर ये समझ सकते हो कि ये एक बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस एंड बोल्ड पार्टी मेकअप लुक है। एंड इसको इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने यूज़ किए सिर्फ और सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स। कैसे, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। लेकिन उससे भी पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना और उसके पास जो बेल आइकन है उसको भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मिलेगा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। अगर आप मेकअप में बिगिनर्स हो एंड आपके पास बहुत सारी मेकअप किट्स नहीं है तो भी आप इजीली इस टाइप का लुक को क्रिएट कर सकते हो। कैसे, उसके लिए तो वीडियो को एंड तक ही देखना है। तो या विदाउट फर्दर एनी मोर टॉकिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस मेकअप लुक के लिए मैं कोई भी फाउंडेशन या फिर कंसीलर नहीं यूज़ करूँगी एंड उसके बदले में मैं जो यूज़ करूँगी वो है एक बीबी क्रीम एंड दिस इज़ द पॉन्ड्स बीबी क्रीम इन द शेड मीडियम। तो इसको मैं पहले अपनी फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी एंड उसके बाद एक डैम्प स्पंज की हेल्प से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं कोई कंसीलर नहीं यूज़ करूँगी, इसीलिए जहाँ पर थोड़ा सा पिगमेंटेशन है फेस पे और जहाँ पर थोड़ा सा डार्क पैचेस है वहाँ पर एज अ कंसीलर मैं इस बीबी क्रीम को ही अप्लाई करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने अंडर आई एरिया एंड उसके बाद अपनी आई लिड्स एंड उसके बाद जहाँ जहाँ थोड़ा सा पिगमेंटेशन है वहाँ पर एज अ कंसीलर बीबी क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं इसे डैम स्पंज की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। बेस मेकअप कंप्लीट होने के बाद बारी आते हैं ब्राउज की एंड ब्राउज के लिए मैं ले रही हूँ ये लैक्मे का आइकॉनिक काजल एंड एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैं इस काजल को अपनी ब्राउज को फिलअप करने में यूज़ करूँगी। आईशैडो एंड ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी एक लिपस्टिक एंड ये है वो लिपस्टिक, ये है मेबेलिन का लिप ग्रेडेशन रेड 2। इसको मैं एज अ आईशैडो एंड एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी। एज अ काजल एंड एज अ आईलाइनर मैं यूज करूंगी वही सेम लैक्मे का आइकॉनिक काजल। तो सबसे पहले मैं इस काजल से एक विंग आईलाइनर ड्रॉ करूंगी एंड उसके बाद इसको एज अ काजल अपनी लोअर लैश लाइन के आउटर साइड पर अप्लाई करूंगी। लेकिन अगर आपके आईज थोड़ा सा छोटा है तो आप पूरी लोअर लैश लाइन पर ही काजल को अप्लाई करना मत भूलिएगा। आईलाइनर एंड काजल को बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में एक स्मोकी इफेक्ट लाने के लिए मैं इसको स्मज कर दूंगी।
आईलाइनर एंड काजल को दिस स्मज ब्रश की हेल्प से स्मज कर दूंगी। लेकिन अगर आपके पास ये वाला स्मज ब्रश नहीं है तो एक ईयरबड्स की हेल्प से भी आप काजल और आईलाइनर को स्मज कर सकते हो। मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ दिस मेबेलिन का कोलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। अब देखिए ये तो एक पार्टी मेकअप है तो फेस को चमकाना तो बनता ही है, इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ एक हाइलाइटर एंड फॉर द हाइलाइटर आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाइलाइटर इन दी शेड प्रीशियस पेटल्स। अब मैं इस छोटी सी ब्रश की हेल्प से अपनी इनर कॉर्नर ऑफ द आईज को भी हाईलाइट करूंगी वही सेम हाइलाइटर से। ब्राउ बोन्स को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट बाकी रह चुका है लिपस्टिक एंड लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ वही सेम मेबेलिन का लिप ग्रेडेशन इन दी शेड रेड 2। गाइज ये था मेरा आज का पार्टी मेकअप लुक यूजिंग ओनली 5 प्रोडक्ट्स। तो मैंने क्या क्या यूज़ की, मैंने यूज़ की पॉन्ड्स का बीबी क्रीम, नंबर 2 है लैक्मे का आइकॉनिक काजल, नंबर 3 है मेबेलिन लिप ग्रेडेशन इन दी शेड रेड 2, नंबर 4 है वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाइलाइटर एंड नंबर 5 है मेबेलिन वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। ये मेकअप लुक क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है एंड अगर आप चाहो तो आप भी इसे इजीली क्रिएट कर सकते हो कोई भी पार्टी या फिर कोई भी वेडिंग ओकेशन के लिए भी। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड इफ रियली दैट देन प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड वंस अगेन इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फर्स्ट। तो मैं तो लौटूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो पर विथ न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड न्यू आइडियाज। टिल देन टेक केयर एंड बाय।